नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ इथियोपिया में बंधक बनाए गए परिजनों को वापस वतन लाने को लेकर परिजनों ने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से गुहार लगाई। परिजनों ने डीएम से बंधक बने अपनों की रिहाई और सकुशल घर वापस लाने की मांग की है। आजमगढ़ जिले में 3 लोग अफ्रीका महाद्वीप के देश इथियोपिया में नौकरी करने गए थे। कंपनी ने इनसे काम लिया और जब सभी लोग अपनी मजदूरी मांगे तो कंपनी बंधक बना दिया। सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इनका पासपोर्ट छीन लिया गया। बंधक बने 4 लोगों में 3 आजमगढ़ के बेलकुंडा के संजय कुमार मिश्र, चंदाभारी के राज बहादुर चौबे, जुड़ारामपुर के संदीप सिंह और बलिया के जनूपुर के धर्मेंद्र यादव हैं। जानकारी मामले की तब हुई जब फंसे पीड़ितों ने वीडियो शेयर किया। सोमवार को बंधक बनाए परिजनों ने डीएम से गुहार लगाई। बंधक बनाए गए संजय मिश्रा के बेटे मृत्युंजय मिश्रा का कहना है कि आज अपनी मां के साथ हम लोग डीएम से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। सरकार और जिला प्रशासन से मांग किया कि जल्द से जल्द पिता की वतन वापसी कराई जाए। वहां पर पिता को बंधक बनाकर रखा गया और पासपोर्ट भी छीन लिया गया। सभी को एक कमरे में बंधक बनाया गया है। वहीं इथियोपिया में बंधक राज बहादुर चौबे की बेटी और पत्नी ने भी डीएम से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितजनों का कहना है कि हमारे पिता को वहां पर बंधक बना लिया गया है। हमारी सरकार और जिले के डीएम से मांग की गई है कि जल्द से जल्द लोगों को भारत लाया जाए। बंधक बनाए जाने से परिजन घबराए हुए हैं। हमारे पति गाजियाबाद से प्रीति स्टील प्लांट से बाहर गए थे और वहाँ जाके उन्होंने 3 महीने के लिए उनका एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने 3 महीने के बाद वो अपने इंडिया आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ गए तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए, उनसे सारा काम करवा ले जब पेमेंट मांगे तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए, उसका पासपोर्ट भी रख लिए और रूम में बंद कर दिया, आने भी नहीं दे रहे हैं। इसे सरकार से आप इसके संबंध में कहीं कहाँ कहाँ गई हैं, किसको किसको सूचना दी आपकी, आपके पति को बंधक बना लिया गया है? विधायक SDM DM आज आप DM साहब के आएंगे, क्या कहे हैं ये? तो मैं रिपोर्ट उनको दी, कल SDM मेरे घर गए थे, बात तो वही हुई और उस रिपोर्ट यहाँ की निकलवा ली, वही उन्होंने दे दी, बात कुछ पूछे तो नहीं। क्या चाहती आप लोग? बस मैं यही चाहती हूँ हमारे पति जल्द से जल्द इंडिया आ जाए। समस्या ये सब बंद कर दिए हैं, जो पासपोर्ट सब ले लिए हैं तो आने नहीं दे रहे हैं, पैसा सब कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कमरा बंद कर दिए हैं। आप क्या चाहते हैं? तो जल्द से जल्द इंडिया आ जाए। उसके लिए क्या क्या किया आपने अभी तक? अभी एक कागज पर सब कर ले, मतलब हाँ DM साहब से मिले गए हैं तो बोले कि हम तो जो रिपोर्ट वपोर्ट सब आ गई है, हम जो सोचते हैं जल्द से जल्द घर आ जाए। यहाँ से वो रोली मिल के काम से वो प्रीत मशीनरी गाजियाबाद के द्वारा इथियोपिया गए थे और वहाँ पे जाके वो रोली मिल का काम पूरा किए। काम पूरा करने के बाद तीन महीने के एग्रीमेंट पे वो गए थे, वहाँ पे 3 महीना होने के बाद उन्होंने काम खत्म हुआ। उसके बाद वो अपना पेमेंट मांगे और पासपोर्ट जो जमा था उनके पास, पासपोर्ट मांगे तो वो उनके द्वारा मतलब पासपोर्ट नहीं दिया गया, ना पेमेंट दिया गया और क्या नाम है एक कमरे में बंद कर दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोग क्या नाम है कुछ दिन तो ऐसे ही बीता, फिर क्या नाम है हम लोग यहाँ से DM साहब को शिकायत किया गया है। इसके पहले कल SDM साहब हमारे घर गए थे तो उन्होंने उनसे बात हुई, फिर यहाँ आने के लिए उन्होंने बोला बात हुई है और DM साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री साहब के पास ये संज्ञान में है, उनके कार्यवाही आगे चल रही है। आज DM साहब के आए थे तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा, मतलब दिया गया रिपोर्ट उनको तो फिर उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है और क्या नाम है इसको रिपोर्ट वो फिर आगे करेंगे भेजेंगे उसके आगे चल रहा है फिर ये ऐसे ही। इसके पहले भी क्या नाम मैंने क्या नाम हम लोगों ने PMO ऑफिस बात किया था, बात हुई थी हम लोग की, भैया बात किया था हमारे और क्या कहते हैं जो कंपनी भेजी है प्रीत मशीनरी वो भी जब उसको पता चला, उन्होंने संपर्क किया पता चला वो भी विदेश मंत्रालय गई शिकायत की थी, फिर वहाँ जो एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी है उसमें शिकायत हुआ वो कि वहाँ गया था कुछ दिन बात हुई, मतलब गया एक दो बार इंडियन एम्बेसी वहाँ गई बात की, अब कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, लगता है वो भी क्या नाम है पैसा खा के
मिल गई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब हम लोग परेशान होकर यहाँ पे हम लोग को आना पड़ा कि जल्द से जल्द उन लोगों को घर बुलाया जाए। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरे पिताजी जल्द से जल्द घर आ जाएं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।